और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जिन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई उसकी वजह जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है। पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस मध्य प्रदेश पर है। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की समीक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने जिन 6 समितियों का गठन किया है उसमें मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी पृथ्वीराज चव्हाण, सप्तगिरी उल्का और जिग्नेश मेवानी को दी गई है। छत्तीसगढ़ की समिति में वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी हैं। इसी तरह ओडिशा में हार के कारणों को तलाशने की जिम्मेदारी अजय माकन और तारिक अनवर को दी गई है। वहीं दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में खराब प्रदर्शन की वजह पीएल पुनिया और रजनी पाटिल बताएंगे। चुनाव में इन तीनों प्रदेश में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका। उन्नाव से जीत की हैट्रिक लगाने के बाद बीजेपी नेता साक्षी महाराज हरिद्वार पहुंचे जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान साक्षी महाराज मीडिया से रूबरू हुए। लोकसभा चुनाव में मिली हार पर भी उन्होंने बयान दिया और कहा कि हार की वजह का पता लगाने के लिए पार्टी को मंथन करना चाहिए। पर मैंने पार्टी से आग्रह किया है पूरे प्रदेश की समीक्षा करने की आवश्यकता है, कमी कहाँ रह गई। जिस तरह से मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, पूरी ईमानदारी से जो काम किया तो लोग जातीयता में बह गए। और यूपी में कांग्रेस नेता अखिलेश प्रताप सिंह के वाहन से हूटर हटवाने के दौरान बहसबाजी का वीडियो सामने आया है। वीडियो में कांग्रेस नेता पुलिस पर ही सवाल खड़े करते नजर आ। घटना उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की है। पुलिस ने भटवालिया चौराहे पर हूटर का प्रयोग करते हुए जा रही एक स्कॉर्पियो को रोका। इसके बाद उसके हूटर को उतरवाने लगे, जिसके बाद वाहन में बैठे लोगों ने विरोध जताया और कांग्रेसी नेता अखिलेश प्रताप सिंह को सूचना दी। दूसरे वाहन से आगे जा रहे कांग्रेस नेता वापस मौके पर पहुंचे। उन्होंने पहले कारण जानने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने सरकार के निर्देश का अनुपालन करने की बात कही। इसके बाद वाहन से हूटर को हटवा दिया गया। हालांकि इस दौरान अखिलेश प्रताप सिंह ने पुलिस से ही आरसी दिखाने की मांग की। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। दोनों आतंकी आईईडी एक्सपर्ट्स थे। इस ऑपरेशन में सेना का एक जवान भी घायल हुआ है। सोपोर के हादीपुरा गांव में आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद इलाके को घेरा गया और तलाशी अभियान शुरू किया गया। घेरा सख्त होता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसके बाद उन्हें ढेर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मारे गए दोनों आतंकी लश्कर से जुड़े हुए थे और पाकिस्तान से भेजे गए थे। ऑपरेशंस, कॉशियस सर्च ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं, बट इस ऑपरेशन में हम लोगों ने जो है 2 टेररिस्ट जो है वो मार गिराए हैं सिक्योरिटी फोर्सेज ने, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और CRPF की टुकड़ियां जो वहां पे तैनात थी उन्होंने। और जम्मू कश्मीर के रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर हुए हमले में गिरफ्तार आतंकी से अहम जानकारियां मिली हैं। पुलिस के मुताबिक हकमदीन ने महज 6,000 रुपए के लालच में आतंकियों की मदद। हुकमुद्दीन से पूछताछ में खुलासा हुआ कि हुकमुद्दीन ने न सिर्फ आतंकियों को पनाह दी बल्कि घटनास्थल तक पहुंचाने में उनके लिए गाइड का भी काम किया। TV9 भारतवर्ष ने हुकमुद्दीन से कई सवाल पूछे लेकिन वो खामोश रहा। दिन तुम्हें शर्म नहीं आई कि इस तरीके से किया तुमने? तुमने आतंकियों को खाना दिया, तुमने आतंकियों को चंद पैसे के लिए तो पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि 3 पाकिस्तानी आतंकी 9 लोगों की हत्या में शामिल थे।